गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन 8, सुबह की सैर। मतलब घूमना। इस लेसन के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि सुबह सुबह हमें घूमना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें पार्क में या कहीं भी हमें घूम के आना चाहिए। पार्क के अंदर जो हरी हरी घास होती है उस पे नंगे पांव चलना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरी चीजें खाने से भी और हरी घास पे चलने से भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। फेफड़े हमारे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और कई कारण है जिससे हमारे स्वास्थ्य भी क्या होता है? अच्छा होता है। हम जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ के घूम के आना चाहिए। शेर पे जाना चाहिए। शेर मतलब घूमना। जैसे दादा दादी जाते हैं तो हमें उनके साथ जरूर घूमने जाना चाहिए। यही लेसन में बताया गया है। दो लड़कियां हैं जो एक घूमने जाती है और एक नहीं जाती है। सुबह की सैर। निर्जा के दादा दादी जी प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं। निर्जा भी उन्हीं के साथ उठ जाती है। अब निर्जा के दादा दादी 6 बजे प्रातः मतलब सुबह के 6 बजे उठती है, और निर्जा उनकी पोती वो भी सुबह 6 बजे उठ जाती है। तीनों सुबह नियमित रूप से पार्क में सैर करने जाते हैं। तीनों क्या है? कौन? निर्जा, उनके दादा और दादी, वो पार्क में घूमने जाते हैं। निर्जा केवल 7 साल की है, पर उसे दादा दादी जी के साथ सुबह की सैर करना अच्छा लगता है। पार्क में और भी कई बूढ़े, जवान तथा बच्चे सैर करने के लिए आते हैं। देखो, निर्जा केवल 7 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन उसको अपने दादा दादी के साथ पार्क में घूमना बहुत अच्छा लगता है। और जब वो पार्क में जाती है तो देखती है वहां पे दादा दादी के उम्र के भी लोग हैं, उसके उम्र के भी लोग हैं, और कई क्या है, उसके पापा मम्मी के उम्र के भी लोग हैं, जवान है। तो उसको सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि सुबह सुबह घूमना चाहिए। एक दिन निर्जा दादा दादी के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी उसे उसकी सहेली अंशु दिखाई दी। क्या हुआ? निर्जा घूम रही थी तो उसे कौन दिखाई दी? अंशु। अंशु कौन थी? निर्जा की सहेली। वह अपने पापा के साथ पार्क में आई थी। निर्जा दूर से ही चिल्लाई, अंशु अंशु इधर आ। देखो, जब उसने अपनी फ्रेंड को देखा, और फ्रेंड है वो किसके साथ आई थी? पापा के साथ। निर्जा किसके साथ आई थी? दादा दादी के साथ। तो वो क्या है, निर्जा दूर से चिल्लाई कि अंशु अंशु इधर आओ। जब फ्रेंड दिखी तो उसको लगा, खुश हो गई कि मेरी आज फ्रेंड भी मुझे मिल गई। अंशु दौड़ते हुए निर्जा के पास आ गई, दादा दादी को नमस्ते किया और बोली, अरे निर्जा तू यहाँ? निर्जा बोली, मैं तो दादा दादी के साथ रोज यहाँ शेयर करने आती हूँ। उसने अंशु ने उसको देख के कहा कि निर्जा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो निर्जा ने क्या कहा, मैं मेरे दादा दादी के साथ रोज पार्क में घूमने आती हूँ। निर्जा रोज जाती थी, तो अंशु उसको आज कैसे मिली? देखो, तू बता, तू यहाँ कैसे? ठीक है ना, तू यहाँ। निर्जा ने अंशु से पूछा कि तू बता, तू कैसे यहाँ आई? अंशु बोली, मैं तो अपने पापा के साथ कभी कभी यहाँ आती हूँ। रोज पार्क में घूमने कौन जाती थी? निर्जा। लेकिन अंशु कब आती थी? कभी कभी अपने पापा के साथ घूमने पार्क में आती थी। दादाजी बीच में ही बोल उठे, क्यों अंशु, कभी कभी ही क्यों आती हो? प्रतिदिन क्यों नहीं आती? अब निर्जा के दादाजी ने कहा, अंशु तुम कभी कभी क्यों आते हो? आपके पापा तो रोज आते हैं, तो आप कभी कभी क्यों आते हो? आप प्रतिदिन मतलब रोज, लगातार, हर दिन, ठीक है ना, प्रतिदिन मतलब हर दिन क्यों नहीं आते हो? अंशु, दादाजी मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। उसने क्या कहा, दादाजी सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, इसलिए मैं नहीं आती। अब इसकी गुड हैबिट है, बैड हैबिट?
ये बैड हैबिट है उसकी, क्योंकि वो सुबह जल्दी नहीं उठती। सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए, जिससे अपन क्या है मतलब पूरे दिन फ्रेश फील करते हैं, और नहीं तो आलस बना रहता है। नीरजा बोली, अंशु मैं तो प्रतिदिन 6 बजे उठती हूँ और दादा दादी के साथ सैर करने पार्क में आती हूँ। अब नीरजा ने क्या कहा, मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ और मेरे दादा दादी के साथ रोज यहाँ घूमने आती हूँ। फिर दादाजी बताने लगे कि सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर क्या है, दादाजी बताने लगे कि सुबह हम घूमने आते हैं, सेहत मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए सुबह घूमना बहुत ही अच्छा होता है। कैसे होता है, हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मतलब खुश रहते हैं। प्रसन्न प्रसन्न होना, अपन बोलते हैं ना भी प्रसन्न हो गया, ठीक है ना, ये प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न प्रसन्न मतलब खुश होना। सुबह जब हम सैर करेंगे और हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम पूरे दिन क्या रहेंगे, खुश, ठीक है ना, खुश रहेंगे, ताजगी फील करेंगे। यही कारण है कि हम अब तक भले नियमित रूप से सैर करने से हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। रोज नियमित मतलब रोज लगातार हम घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, इनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमें जल्दी सी क्या है, छोटी छोटी जो बीमारियां होती है ना, ठीक है ना, एलर्जी को होना, जुखाम सर्दी लगना, ये हमें बीमारियां नहीं आएगी, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा और मन में भी क्या है शांति रहेगी। क्योंकि आप उठे हो, जल्दी उठे हो, घूम के आ गए हो, तो देखो आलस नहीं आता है। और अभी है ना, जैसे कई होते हैं ना उठ के पढ़ने बैठ गए तो आलस ही आ रहा है उनको, तो मन क्या रहेगा हमारा, शांत रहेगा। ठंडी ठंडी व हरी घास पर नंगे पांव घूमने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। देखो सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है, उसमें हम पार्क में नंगे पांव बिना स्लीपर पहने हुए, चप्पल पहने हुए अपन घूमेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी क्या है बढ़ जाएगी, चश्मा और अपने नहीं लगेगा। सुबह की ताजी हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब हम पार्क में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हमारे क्या होंगे, फेफड़े है ना, फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और बंद होते हैं। सिकुड़, हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या सिकुड़ते हैं और बंद होते हैं, ठीक है ना, सिकुड़ते हैं और बंद होते हैं। तो ऐसे क्या, हम ताजी हवा में जब वहां बैठ के योगा एक्सरसाइज करेंगे और उस योगा और एक्सरसाइज से हम सांस लेंगे, ठीक है, सांस अंदर लेते हैं शुद्ध हवा में, तब हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, हमारे फेफड़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही कारण है कि हम अब तक अच्छे भले स्वस्थ है। किसने कहा, दादाजी ने कहा कि हम इतने बूढ़े हो गए, फिर भी यही कारण है कि हम सुबह सुबह शेर पे आते हैं, यहाँ प्राणायाम योगा करते हैं, घूमते हैं, कि हम इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी हम क्या है आपसे स्वस्थ है। उस बच्ची को क्या कहा, आपसे भी हम स्वस्थ है। होते ना दादा दादी अपने से भी ठीक होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं और सुबह सुबह रोज घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, साथ ही दादी निर्जा और अंशु भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको अंशु को दादाजी ने जब समझाया, कैसे समझाया, प्यार से हंसते हुए उसको समझाया। सब ये बातें सुनकर निर्जा की दादी और निर्जा भी क्या है, और अंशु, निर्जा और अंशु उसकी फ्रेंड, सब खिलखिलाकर मतलब खुल के, खिलखिलाकर मतलब जोर से ऐसे हंसने लग गई। तो दादाजी ने क्या कहा था, सैर करने से, सुबह की सैर करने से क्या फायदा है, तो इस लेसन के द्वारा हमें भी क्या है, सुबह की सैर, योगा, एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट है, क्या क्या अपन को क्या फायदे हैं, इसलिए हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए और घूम कर जरूर आना चाहिए। नहीं घूम के आ सकते तो योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे हम क्या है स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन भी क्या है स्वस्थ रहेगा। ओके बाय, एंड द सेशन, बाय मैम, हैव ए नाइस डे। बाय मैम।